तो अभी हम पहुंच गए हैं दा पहाड़ी। दा पहाड़ी फेमस है उत्तराखंडी फूड के लिए। इसी की स्थापना भी इसी के लिए हुई थी कि हाँ उत्तराखंडी फूड फेमस है। दा पहाड़ी ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट। और देखिए रास्ता कितना प्यारा है इसका। तो हम पहुंच गए हैं दा पहाड़ी। तो ये है पहाड़ी की एंट्रेंस और ये है इसका रिसेप्शन। यहाँ पर पूरा पहाड़ी कल्चर दिखाया जाता है। जैसे ये इस तरह से और ये है इसके रेस्टोरेंट। और ये देखिए ये उत्तराखंड के कल्चर को दिखाता है द पहाड़ी। तो इस समय में द पहाड़ी ऑर्गेनिक फूड नगर से कितना किलोमीटर है? करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ की खूबी यह है कि यहाँ ऑर्गेनिक फूड मिलता है। ये आप जो देख रहे हैं ये सब कांसा के बर्तन हैं, काफ़ी हैवी हैं। और ये ये पकौड़ी और ये चटनी पुदीने की है, सिलबट्टे में पिसी हुई है। और हमारे साथ है हमारे चेतन भाई जो यहाँ के ओनर है, उनका भी स्वागत करता हूँ मैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं अंदर लाइव किचन है और काफ़ी तरह के अन्य यहाँ पर खाद्य सामग्री है जो यहीं से उगाई जाती है, यहीं पैदा की जाती है। और उसी का ही हम जब ये सब यहाँ पर प्राप्त करते हैं भोजन के रूप में। तो मैं चाहूँगा एक बार आप अंदर इनका लाइव किचन दिखाएँ। इस समय हम हैं दा पहाड़ी ऑर्गेनिक फूड। इस जगह को कहते हैं टुटाम, लगभग रामनगर से 40 किलोमीटर की दूरी पे। आइए यहाँ की लाइव किचन में आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं इधर लाइव किचन यहीं का बनाया हुआ, यहीं का पैदा किया हुआ, यहीं बनाया जाता है। ये देखिए सिलबट्टे, पूरी एक पहाड़ी कल्चर, पहाड़ी कल्चर में ये सब बनाया जाता है। देख सकते हैं इसमें हाथ से पीसा जाता है आटा। और ये सारे पहाड़ी बर्तन कांसे के सूप। ये देख सकते हैं ये इसी क्या कहते हैं इसे पीछे ओखली। हाँ ये ओखली धान वान होते हैं ताकि यहाँ के जो ग्राहक हैं उनको ताज़ा एकदम फ्रेश खाना मिले। और यही बनाया जाता है और ये सब पूरा पहाड़ी कल्चर में यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ हैं यहाँ के, क्या नाम है आपका? दीपा जी। हमारे साथ दीपा जी हैं। और ये धान है, ये सिलबट्टा है, ये सब इनकी आजकल शायद स्टाफ भी कम है। ये है हम दिखाएंगे इधर को सारा। ये घूमरा है। हाँ दिखा। ये बासमती चावल है, ये धान है, ये कोटा जाएगा फिर बासमती चावल इससे निकाले जाएंगे। तो ये है पहाड़ी दा ऑर्गेनिक। यहाँ पर आपको सारा ऑर्गेनिक मिलेगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये झूमरा है, इसकी खीर बनाई जाती है। ये उत्तराखंड की एक डिश कह सकते हैं इसे। ये गोहत है। अच्छा काले गेहूं है। आपने देखे होंगे गेहूं सामान्यतः करीब करीब गोल्डन या पीले कलर के होते हैं। ये देखिए काले गेहूं है। इनकी भी रोटी बनती है, स्वादिष्ट रोटी। और मड़वे का आटा भी है। ये देख सकते हैं यहाँ की किचन साफ सफाई। लाइव किचन होती है यहाँ पर।
ये मडवे का आटा है, देखा? ये है मडवे का आटा, ये देखिए मडवे का आटा है। और इस तरह से ये लकड़ी में, ये लकड़ी से जो यहाँ लकड़ी से चाय बनती है जो देख रहे हैं आप, ये लकड़ी में चाय। ये क्या है? ये देखिए लाल भात है, इसे लाल चावल भी कह सकते हैं। ये केवल पहाड़ी स्थानों में पाया जाता है और इसके कभी आप चावल खाएं तो बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ये लाल भात कहते हैं इसे। इन चीजों को आपने अगर खाना है तो इसके लिए आपको उत्तराखंड आना पड़ेगा और स्पेशली लाल पहाड़ी। ले सकते हैं यहाँ पर आप, ये दिखाएंगे अगर आप। ये सारे कांसे के बर्तन हैं और काफी हैवी है, काफी भारी है। और ये दिखाएंगे आप जरा, देखो सारे के सारे, सारे टोटली कांसे के बर्तन हैं यहाँ पर। ये थाली कांसे की है, काफी भारी है, इनमें खाने का अपना ही अलग स्वाद है, अलग मजा है। तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ के रूम, कैसे रूम है यहाँ, आइए। ठीक है, यहाँ का छोटा सा रिसेप्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के रूम, आइए। ये देखिए यहाँ के रूम, और ये यहाँ की टॉयलेट, काफी साफ सुथरी टॉयलेट, बेहतरीन। और ये देख सकते हैं यहाँ से आपका व्यू कितना अच्छा है, यहाँ से लेते लेते ही आप सूर्य के दर्शन भी कर सकते हैं सुबह उठते ही, और काफी अच्छा व्यू है। छोटी सी बालकोनी भी है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एक बालकोनी है, और नीचे आप जो देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड पे, इधर एडवेंचर बच्चों के लिए झूले, और काफी अच्छी अच्छी खेलने की चीजें हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी है। और ये देख सकते हैं रोड, ये रोड यहाँ पर सीधे रानीखेत जाती है, और मेरी राइट हैंड की तरफ जाती है रामनगर। तो आप देख सकते हैं, आपने ये देखा रूम, ये इस समय हम बालकनी में खड़े हैं और यहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए शहर से इतनी दूर होने के बावजूद भी यहाँ पर रूम में सारी व्यवस्था है, टिकेटर है, ये है, एक छोटा सा फ्रिज भी है। इस फ्रिज में अभी तो खैर कुछ नहीं रखा है, और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप देखिए रूम है, इस रूम का लगभग एक रात का जो किराया है 6,000 रुपये बताया गया है, उसमें तीनों मील उसमें इंक्लूड है, और उसमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर। और देखिए इस रूम में पूरा वुडन का काम किया गया है, पूरा लकड़ी का इसमें है बना हुआ, आप देख सकते हैं। और बहुत अच्छी बेड है, ये देखिए, और बिल्कुल साफ सफाई। और जहाँ तक मैं दिखाना, एक बार दिखाना चाहूँगा इधर को, कि आप यहाँ से सामने का बाहर का व्यू भी देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू है ये खिड़की। देख सकते हैं हम इस समय मीटिंग रूम में हैं, मतलब ये यहाँ पर जीप सुविधा भी है और काफी साफ सफाई है इस तरफ। ये देखिए पूरे ट्रेन से लंबे रूम है यहाँ पर, यहाँ हमें मसाज ले लिया है, उसके लिए भी है, प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए अभी कोई मीटिंग वीटिंग का भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन है ये जगह। शहर से इतनी दूर होने के बावजूद भी पहाड़ों पे भी इतना अच्छा काम यहाँ पर है, इतना साफ सफाई है, उधर इतना अच्छी रूम है और अच्छा वातावरण है यहाँ का। तो आप कभी अपने परिवार के साथ एक बार छुट्टियाँ मैंने यहाँ भी आए। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का ऑर्गेनिक फूड यहाँ पर ऊपर, अभी यहाँ से आप देख नहीं पाएंगे, पूरे यहाँ पर खेती बाड़ी की गई सारी एक एक चीज़ें यहीं उगाई जाती हैं, यहीं पैदावार की जाती है और यहीं बना के खिलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं सारे रूम ही रूम है इधर इस तरफ। तो यहाँ आप आइए एक बार,